सर मेरा नाम विजय है और मैं हमारा जो शोरूम है वो वुड विले फर्नीचर इंटीरियर्स जो कि दिल्ली बेस्ड कंपनी है। ओके और बट हमारा जो हम फर्नीचर में डील करते हैं हम एक्स वाई जेड ए टू जेड आइटम जो हम बनाते हैं जैसे बेड डाइनिंग सोफ़ाज वगैरह तो वो हम टोटली कस्टमाइज फर्नीचर बनाते हैं। और कस्टमाइज मीन्स मतलब हमारा जो काम है इंटीरियर का भी है, पूरे प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं दिल्ली में, दिल्ली NCR और दिल्ली से बाहर। तो हम मोस्टली जो हमने साउथ इंडिया पूरा कवर कर लिया है और अब हमारा हम बॉम्बे गोवा इस तरफ भी हम कवर कर रहे हैं धीरे धीरे। ओके तो हाँ ठीक है। पहले तो मैं उन हमारी क्लैपट्रैप फैमिलीज़ को थैंक्स बोलना चाहूँगा जो हमसे जुड़े, जिन्होंने हमसे फर्नीचर परचेज़ किया और जो यूज़ कर रहे हैं उनके लिए वेरी वेरी थैंक्स कि उनको एक अच्छा फर्नीचर अच्छे प्राइस में मिल सका। ठीक है, हम भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, मेंशन योर नेम्स, यू नेवर नो समटाइम्स अ सरप्राइज गिफ्ट मे कम टू योर प्लेस। जी जी ओके। ये क्लैपट्रैप की तरफ से होता है कुछ सर। कभी मतलब होता है सरप्राइज गिफ्ट आ जाते हैं कभी कभी, तो कमेंट सेक्शन में लिख के कुछ बताएं हमें कि कैसा एक्सपीरियंस रहा वुड विले के साथ में। वुड विले इज़ अ कंपनी लोकेटेड इन ईस्ट दिल्ली एज ही सेड, एज विजय जी हैज सेड, एंड वी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट रेंज की बात करें अगर, सो वी मेक ऑल काइंड ऑफ सोफाज, वी मेक सेंटर टेबल्स, साइड टेबल्स, पैक टेबल्स, डाइनिंग सेट्स, वी हैव ड्रेसर्स, वी हैव गॉट बफे काउंटर्स, ऑल्सो वी हैव गॉट सम वॉल आर्ट्स एंड वार्डरोब्स। जी ओके, लिस्ट इज प्रीटी लॉन्ग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जी वार्डरोब्स के तो हम स्पेशलिस्ट हैं, जैसे डाइनिंग्स, वार्डरोब्स और सोफाज, इसकी चीज़ के तो हम पूरे वेरी स्पेशलिस्ट। हमारे पास पूरी टीम्स हैं और हमारे फैक्ट्री में हर टीम है जो सोफ़ा कार्विंग के सोफ़ा, फुल कवर्स, जो आजकल मॉडर्न हर तरह के सोफ़ाज बनाते हैं, मतलब और मार्केट से सस्ता क्वालिटी बेटर और बहुत मतलब इकोनॉमिकल रेंज में बना देते हैं। चलिए बना के रखा हुआ है। डन। कुछ बेसिक पैरामीटर्स है क्विकली सेट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वुड क्या होता है, फोम क्या होता है, फैब्रिक कौन कौन से आप ब्रांड्स यूज़ करते हैं? देखो फैब्रिक्स की बात ऐसी है तो फैब्रिक तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, हम सारा ब्रांडेड यूज़ करते हैं, निर्मल्स, ड्रीम्स, मदनसन, श्रेयस, इन्हीं का हम फैब्रिक यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम डी डेकोर भी यूज़ करते हैं। दूसरी बात, जो हमारा सोफे का जो फ्रेम होगा हम सॉलिड स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं मिरंडी का। मिरंडी में भी जो हम सेक्शन लेते हैं वो हैवी सेक्शन होता है, चूल सुराग में होगा, फिर उसका मैकेनिज्म जो है स्प्रिंग्स, इलास्टिक बेल्ट, सारा फर्स्ट की फोम और कुशन या स्लीप वेल या फिर प्यू कुशन हम यही यूज़ करते हैं। मैं आपको बेसिक मैंने आपको बता दिया, क्वालिटी बेसिकली हमारी बेस्ट होती है। और हमारे यहाँ का सोफ़ा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मतलब आपको अगर आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो 10 से 12 साल आपको टेंशन फ्री हो जाना है। 10 से 12 साल उसके बाद फिर आपने कुशन चेंज कर लेना। क्या हमारी वारंटी में है वो 10 से 12 साल? सर 5 इयर्स की में हम आपको ऑल आइटम्स की आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ, हम वारंटी नहीं हम गारंटी देते हैं। अरे वाह, ओके ग्रेट। सो वी विल स्टार्ट आवर जर्नी नाउ। कुछ हम सोफाज एंड सेंटर टेबल्स देखने वाले हैं आज एपिसोड में, यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए विल स्टार्ट विद दिस। ये देखिए सर। ओके सर, ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं है? सर ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट, सच में ये बिल्कुल यूनिक है। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा आपको कट शट करके लगेगा बट लेकिन जिस पार्टी का ये हमने बनाया है जी, ये दिल्ली की ही पार्टी है और ये क्लैपट्रैप फैमिली का ही हमारा जा रहा है। अच्छा, तो उनका एक्चुअली हमने एक ड्राइंग रूम है, हमने उनको उसको सेट किया है। अच्छा हाँ, ये बेसिकली मैं खुद साइट पर जाके मैंने उनका पूरा मेजरमेंट लेके ही ये सब पूरा सेटअप बनाया है जी। कि जितनी सीटिंग्स उनको चाहिए थी उस हिसाब से हमने उनको बना के दिया है। ओके, कलर स्कीम वगैरह हमने इनको सब हमने सिलेक्ट कराया। अच्छा, क्या फैब्रिक लगना चाहिए वो सब हमने सिलेक्ट कराया जी। आप इसकी कंफर्टेबिलिटी, इसकी कुशनिंग, इसकी क्वालिटी, इसकी वर्कमैनशिप आप देख सकते हैं। बिल्कुल, दिस इज वेरी नाइस बट मेरा फोकस यहाँ पे था जनरली। ये हाफ कट है जनरली एल कॉर्नर की जगह, इसका रीजन है सर ये एक्चुअली क्या है कि ये जो ये वाली जो वॉल है यहाँ पे इनका एक विंडो है। अच्छा, और उस विंडो में इस कॉर्नर में एक पिलर आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो उस वो... पिलर की वजह से हमने इसको कट करना पड़ा। अच्छा, तो आपको उसको एडजस्ट कर लिया? उसको एडजस्ट हमने कर दिया। जब ये प्रॉपर अपनी जगह पे जाके लगेगा तो ये प्रॉपर फिट आएगा और तब इसका लुक आएगा। ठीक है, और ये सच में बहुत बेहतरीन सोफा बना है, तभी हमने इसको वीडियो में भी शूट करवा रहे हैं कि कस्टमर को पता लगना चाहिए कि हम किस तरह का काम करते हैं। ठीक है, और हम और आगे कर भी रहे हैं, अभी भी मेरी बहुत सारी साइट चल रही हैं। सो दिस इज वन ऑफ द डिजाइंस।
डिजाइन हमारे पास मल्टीपल है, लेकिन हम एक ये दिखा रहे हैं यहाँ पे। हमने इनको एक ऑटोमन दिया है विदाउट लेग्स, बिल्कुल, जो कि थोड़ा सा थिक है क्योंकि स्पेस उनके पास काफी रहेगा। हाँ जी, राउंड आर्म्स, एक सोफा है कर्वेशियस जी जी। और इसमें कौन सा प्रीमियम क्या यूज किया है, क्या फैब्रिक यूज किया है? ये सर इटालियन स्वीट्स। अच्छा, ये सब ड्रीम्स का इटालियन स्वीट इसमें हमने यूज किया है। और कुशन्स के ऊपर, कुशन्स जो हमने यूज किया है सारा पीयू कुशन। अच्छा, कुशन कवर्स जो लगाए हैं वो कौन सा, वो भी सेम? ये भी इसमें इसी फाइल्स का, मतलब प्रिंटेड प्रिंट है वो, ठीक है। ऑलराइट, जब भी हम स्वाचेस देखते हैं तो होता है फाइल्स के अंदर ना आपको प्लेन प्लस फ्लोरल साथ में मिलता है, तो आपको वही लेना होता है वहाँ से। ठीक है, डन। इसका कैलकुलेशन आई डोंट नो आप कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें सीट कट है हाफ, बिल्कुल, तो वन एंड हाफ सीट कट लेते हैं या कैसे लेते हैं, क्या प्राइस रेंज में पर सीट है? मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअली क्या है ना कि इस तरह के जो सोफे होते हैं हम इनको पर सीट में काउंट करते हैं, बट ये जो सोफा हमने बनाया है ये ऑन ऑर्डर है, तो अगर किसी को, किसी पार्टी को, अगर हमारी फैमिलीज को, किसी को अगर इसकी नीड होगी तो वो हमसे ऑन कॉल पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, बात क्योंकि सेंटर टेबल के साथ में है तो हम बता दें, सेंटर टेबल भी हमारे पास ओनेक्स के साथ में, रोज गोल्ड का आपने इसमें बेस चाहिए, इंपोर्टेड है ये? नोट सर, अच्छा, ये इंडियन मेड है। इसका जो बेस हमने बनाया है ये सॉलिड, इसका मतलब हैवी पाइप है, हैवी सेक्शन पाइप, और इसकी जो फ्रेम है वो भी SS304 गोल्ड, रोज गोल्ड फिनिश, PVD कोटिंग में है। ओके, हाँ, और ये क्या प्राइस रेंज में? ऑनेक्स स्टोन लगा हुआ है। डन सर, इसका भी ऑन कॉल बताएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि जो जो हम पार्टी का बना रहे हैं ये इनका एक्चुअली क्या पूरा प्रोजेक्ट होता है, तो फिर मैं आपको वैसे नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, ब्रेक अप नहीं होता अपने पास, हम आपको ऑन कॉल ही बता पाऊंगा। ठीक है जी, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। पीछे आपके एक चेस्टरफील्ड रखा वो देख लेते हैं। बिल्कुल, विल चेक आउट दिस ब्लू कलर वन जी। ये चेस्टरफील्ड है, हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने बता दी हमारे व्यूअर्स को, अब जो बाकी चेस्टर्स रिलेटेड है वो हमारे व्यूअर्स को बता दें। बताइए सर, देखो चेस्टर्स में बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, चेस्टर हैवी भी होता है, लार्ज भी होता है, थोड़ा मीडियम भी होता है, बट ये जो सेक्शन हमने बनाया है ये हर स्पेस में फिट होने वाला सेक्शन है। आप देखेंगे इसमें, इसका जो कर्वेचर है, ये वाला जो आर्म्स हमने दिया हुआ है ये बहुत स्लीक है और देखने में बहुत सुंदर भी लग रहा है, बट ये वाला जो हमने सोफा बनाया है 3+2 है मेरे पास फिलहाल अभी, है और ये हमने ऑन ऑर्डर पे बनाया है। ओके, हाँ, ये यहाँ से पंजाबी बाग जा रहा है। ओके, हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ काम चल रहा है? यहाँ पे हमारा जैसे डाइनिंग चेयर्स वगैरह अपहोल्स्ट्री का काम होता है। अच्छा, हाँ, ओके ओके जी, क्योंकि जैसे जो नॉन टॉक्सिक वर्क है वो बेसिकली यहाँ से होता है, जिसमें केमिकल्स नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल, जो मतलब सेफ वर्क है, जो बिल्कुल जो सेफ वर्क होता है वो हमारे यहाँ ये वाला सेक्शन में काम होता है। ठीक है, ऑलराइट। बहुत सारे लोगों को जो कि मशीन वगैरह सब हमने रखी हुई है, लकीली हमको दिख गया तो हम व्यूअर्स को बता दें, बहुत सारे लोग जो है वो डाउट करते हैं प्रोडक्शन को लेके, तो आपको बता दें कि ये सारा सेटअप नहीं है, दिस इज द रियल सेटअप, मतलब ये रियल है। देखिए इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। डन, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस चेस्टरफील्ड, राउंड आर्म में है, क्या प्राइस रेंज रखा है इसका? सर इसका एक्चुअली क्या, मेरे पास दो कलर है, ये जो मैंने बनाया है ये ऑर्डर में बनाया है, और ये 3+2 आप मान के चलिए 55,000 ओनली, 5 सीटर। ओके, डन। इसमें जो आपने बस एक चीज हमें बता दें कि जो फैब्रिक लगाया वो अप्रोक्सीमेटली क्या रनिंग मीटर रहेगा ये वाला? देखो हम एक्चुअली क्या ना कि जो अब जैसे 55,000 की रेंज का सोफा है तो हमने इसमें जो हम फैब्रिक लगाते हैं वो 500 रुपीज मीटर का फैब्रिक अप्रोक्सीमेटली होता है। बिल्कुल ठीक है, बट वो हमें आता है होलसेल में, अगर आप उसकी MRP देखेंगे तो वही 800-750 की MRP होता है, बट हमें कंपनी डिस्काउंट देती है, हम तो पूरे रोल ले लेते हैं। डन, वी गो टू द नेक्स्ट वन नाउ, अगला देखते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं, स्ट्रेट लाइन है, एल कॉर्नर, ठीक है। ये कहाँ पे जा रहा है सर? ये एक्चुअली मैं बताता हूँ, ये जा रहा है यहाँ से गुड़गांव। अच्छा, ये क्लैपट्रैप फैमिली का ही है। अच्छा, क्योंकि मोस्टली जो जब हम आपसे जुड़े हैं क्लैपट्रैप फैमिली, जब आपसे चैनल से, तो आप यकीन मानना कि हम मतलब, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि फर्नीचर किस तरह का, कहाँ पे अच्छा, कहाँ सस्ता बढ़िया फर्नीचर कहाँ मिलेगा। थोड़ा सा जब सर्वे हुआ, जब आपने हमारा वीडियो बनाया, लोगों ने देखा, तो लोगों को पता लगा कि बढ़िया अच्छा फर्नीचर कहाँ मिल रहा है, कहाँ किसकी रेटों में क्या फ़र्क है। तो इसीलिए कस्टमर हमारे पास आया, हमसे फर्नीचर परचेज किया, उनको लगा कि हमारे रेट ठीक है, क्वालिटी ठीक है, तो वो आपसे कनेक्ट हो गए, कनेक्ट हो गए हमसे। बिल्कुल, चलिए कंग्रेचुलेशंस नाउ, एंड दिस इज कम आउट वेरी वेल। एल कॉर्नर है, स्ट्रेट लाइन है ये। जी जी जी, ओके। ग्रे के डुअल टोन्स के एक्सेंट है यहाँ पे। क्विकली ब्रीफिंग मैं दे देता हूँ जी जी, अभी फटाक से हम इसको कम्प्लीट करते हैं। और ये डिजाइन हमने आपके पास पहले किया है ये? बिल्कुल नहीं किया सर, ये न्यू डिजाइन है। ठीक है, दिस स्पेस कैन बी यूज फॉर योर स्टोरेज पर्पजेस, शो पीस के लिए आप आराम से यहाँ पे बुक्स रख सकते हैं। बिल्कुल सर, और
अपने जो बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स वहाँ पर रखें, जस्ट कीप दिस एरिया क्लीन, क्योंकि जनरली क्या होता है बहुत सारे जगहों में, इंटीरियर पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं अभी हम, कि बहुत सारे लोग इस स्पेस को बनवा लेते हैं बिल्कुल, फिर इसको बहुत मैसी कर देते हैं, तो थोड़ा अवॉइड करिए। इसमें अच्छी चीज़ें रखिए, बुक्स रखिए, लाइन से रखिए, प्रॉपरली अच्छे से रखिए, और एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस है, मल्टी लेवल हेड एडजस्टमेंट है इसमें पीछे, जी जी, एल कॉर्नर लाउंजर सोफा है, सेक्शन सोफाज की तरह भी काम करता है। मैंने सारा ब्रीफिंग दे दिया, विजय जी को मौका नहीं दिया, बिल्कुल सर, कोई नहीं सर, आपने बताया मैंने बताया, एक ही बात है। ओके, इसका प्राइस सर, इसका प्राइस मैं आपको ऑन कॉल बताऊंगा, क्योंकि ये भी मैंने जैसे बताया था ये ऑर्डर पे बना हुआ है, इसके साथ सेंटर टेबल है, आप सेंटर टेबल भी देख सकते हैं, ऑनेक्स टॉप के साथ है, और 4x2 का इसका साइज है, डिजाइनर टेबल है, बेसिकली स्मॉलेस्ट है, लेकिन टेबल बहुत सुंदर है। डन, ओके, सो वी गो टू द नेक्स्ट वन नाउ, ऊपर चलेंगे अभी हम, बिल्कुल सर, ऑलराइट, डन। लेकिन एक जाते जाते एक चीज दिखा दूं व्यूअर्स को, आई डोंट नो मुझे कैसे मैं उसको पाऊंगी, देयर आर टू ब्यूटीफुल चेयर्स, ये चेयर्स आपके पास आए हैं, ये आपके बनाए हुए 15 साल पुराने चेयर्स हैं, है ना विजय जी? जी सर। आई डोंट नो ये हम रखेंगे कि नहीं वीडियो में, आप कहेंगे तो हम रख लेंगे, नहीं तो नहीं। नहीं बिल्कुल सर, ये चेयर्स मुझे बहुत पसंद है, जिनके भी ये चेयर्स हैं, ये आपके पास कुछ रीपॉलिशिंग के लिए आए हैं? बिल्कुल सर, दिस इज मोर देन 15 ईयर्स ओल्ड ब्यूटीफुल पीस ऑफ वर्क, आई डोंट थिंक आर्टिसंस ऑफ टुडे दे आर क्रिएटिंग समथिंग लाइक दिस, एंड माय फेवरेट, आई वांट टू ओन देम, द ओनर ऑफ द चेयर इज कैन प्लीज कंसीडर माय रिक्वेस्ट, I like these chairs and I want to buy them, but I don't know how to. ये किसी और की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल सर। Very nice, बहुत अच्छा है। क्या इसमें करने को आए? तो सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है मुझे। इसमें सर पॉलिशिंग होगा और इसमें फैब्रिक चेंज होगा और कुशनिंग चेंज होगा। पर ठीक तो दिख रहा है। एक्चुअली वो काफी टाइम हो गया तो उनका शायद बोर हो गए होंगे वो, इसलिए। बट अदरवाइज इसमें डुअल एक्सेंट का फैब्रिक है, आप देखिए नीचे, अब आई डोंट नो ये कलर निकल गया है कि ऐसे ही था, एंटीक एंटीक है ये, जो ये नहीं, ये फैब्रिक में जो डबल शेड आ रहा है ये नहीं, ये वाला एक्चुअली फैब्रिक में ही थोड़ा सा शेड आ रहा है। ओके, ठीक है, बट वेरी ब्यूटीफुल चेयर्स, आई थिंक ये बहुत अच्छा है, जैसा है वैसे भी बहुत अच्छा है, बट ऑफ कोर्स आप एक फर्नीचर यूनिट के साथ रहते रहते बोर हो जाते हैं, तो चेंज करते हैं इसको। इसका प्राइस नहीं पूछेंगे क्योंकि ये 15 साल पुराना है, बट हाँ थोड़ा बहुत क्लीनिंग की ज़रूरत है, बाकी अदरवाइज बहुत खूबसूरत है ये। ये थोड़ा लो है ना? थोड़ा लो है सर। अच्छा, रॉयल एज के जितने फर्नीचर होते थे वो थोड़े लो होते थे पहले, जी जी, क्योंकि शायद बहुत लोग लंबे टाइम तक बैठते होंगे उसमें। ओके, या फिर नॉलेज की कमी होती होगी, वही चीज़ है सर। ओके, डन, वेरी नाइस। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इससे आगे चले, तो वील गो फर्दर नाउ। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट लेवल ऑफ चेस्टर, राइट? चेस्टर आपने लास्ट एपिसोड में इंट्रोड्यूस किया था, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहा? सर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, क्योंकि चेस्टर फील्ड सोफा जो है वो लोगों को बहुत पसंद आता है। आपने लेट इंट्रोड्यूस किया, आपके स्टोर में लेट आया, मतलब 2-3 साल से हम आपको जानते हैं, लेकिन चेस्टरफील्ड मेरे ख्याल से आपके पास 2 साल पहले आया, मतलब 1 साल पहले आया होगा, है ना? ठीक है, लेकिन रिस्पांस अच्छा था? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, बहुत अच्छा। ओके, जैसे मैंने अभी जो नीचे आपने देखा वो भी ऑर्डर पे बना हुआ है। डन, बहुत अच्छा है। आपका जो चेस्टर का वर्क है ना वो बहुत अच्छा है, हमने लास्ट टाइम भी किया था इसको डिफरेंट कलर में, बिल्कुल बिल्कुल, और ये कलर भी बहुत अच्छा है, वो कलर सी ग्रीन कलर है, और ये भी जो कलर है ये भी हमारा क्लैप्टर फैमिली का ही जा रहा है। अच्छा, ये भी क्लैप्टर फैमिली का है। ओके, सरप्राइजिंगली आज सारे यूनिट्स में गए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, डन। ये आई डोंट थिंक ब्रीफिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक लव सीट है आपके पास यहाँ पे, और एक यहाँ पे 3-सीटर है विदाउट एनी काइंड ऑफ डिविजन, बट इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का होता है विजय जी, जब भी आप 3-सीटर या 2-सीटर लेते हैं तो एक्स्ट्रा सॉफ्ट करने से आपको फोमिंग का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि जैसे दो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे और एक कोई उठ के जाते हैं तो दूसरे को डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए आप फोम थोड़ा डिफरेंट यूज करते हैं, है ना? हम पीयू कुशन यूज करते हैं, पीयू कुशन यूज करते हैं उसमें, और ज्यादा सॉफ्ट होता है तो और ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि फिर दूसरा भी डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल राइट, राइट ना, राइट सर। चलिए, तो इस चीज का आप ख्याल रखते हैं, बिल्कुल, टेक्निकल टर्म्स में हमने ध्यान नहीं दिया, अब वो आप देख लेते होंगे, बिल्कुल सर। अदरवाइज आप स्लिट कर लें उसे, काट लें दो इस पार्ट नहीं, वो कोई वो हम सब कर लेते हैं सर, कोई इशू नहीं आएगा उसमें, हम मैनेज कर लेंगे। अच्छा जी जी, ओके, आप बताना नहीं चाह रहे हमको? जी जी बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं, तो बताइए फिर। नहीं, वो कोई इशू नहीं है, वो तो जब हम कुछ नहीं यूज करते हैं तो पूरा पूरा जैसे 3-सीटर में कट नहीं होता, तो अब जैसे अगर मान लीजिए वो सीट बाय सीट है तो उसमें 3 सीट्स लगती हैं, इसमें हमने पूरा एक पूरा मैट्रेस यूज किया है। अच्छा, सिंगल शीट, सिंगल शीट यूज की हुई है। कॉस्ट में वो ज्यादा होता है या 3 वाला? कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये बस वो, ये अगर आप कट पीस में लेते हैं सीट्स बाय सीट्स तो उसमें फिर आपको डिस्टरबेंस इसमें होती है, अगर आप पूरा सिंगल पीस मैट्रेस ले रहे हैं तो उसमें डिस्टरबेंस नहीं होती है। ओके, अच्छा, सिंगल में भी नहीं होती है। उसका एक माइनस पॉइंट ये भी है कि अगर आप कट ले रहे हैं तो जैसे उसमें डस्ट जाके फंसता है, कई बार उसमें आप बैठे हैं तो कॉइन वगैरह पेन पेंसिल भी चले जाता है। ओके, इजी टू क्लीन होता है ये वाला, ठीक है। सो मुझे भी लगता है कि प्लेन सिंपल स्ट्रेट लाइन रहना चाहिए विदाउट एनी कट, जी दैट्स माय चॉइस। क्या प्राइस रेंज है इसका
सर 3+2 ये है, इसके साथ में हमने कुशन भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे देंगे। ये इसका हमने प्राइस बहुत नॉमिनल रखा हुआ है, ओनली 55,000 फॉर फाइव सीटर। ठीक है, डन। सो सिंगल सीट से आप कैलकुलेट कर लीजिए, सिंगल सीट का पैसा वैसे डबल होता है, सॉरी। ओके, आई एम अट्रैक्टेड टू दिस टेबल, सेंटर टेबल है हमारा ये। सर ये सेंटर टेबल मैं आपको, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा सो स्टॉपर सेंटर टेबल है जी। ये एक्चुअली हमारी जो आर्किटेक्ट मैम है ये उन्होंने खुद ने डिज़ाइन किया है, ये किसी का कोई डिज़ाइन कॉपी नहीं है। ओके, ये हमने उन्होंने पूरा, ये जो नीचे का इसका बेस आप देख रहे हैं ये टोटली इंडियन मेड है। ये जो बेस है ये SS है, ये 304 SS, और प्लस इसके ऊपर ये PVD कोटिंग की हुई है, ये ब्रश फिनिश है। इसमें कलर स्कीम आप चेंज कर सकते हैं, गोल्ड, रोज गोल्ड, स्टील, आप कोई भी ले सकते हैं। जो इसमें हमने मार्बल यूज़ किया है ये कंपोजिट ऑनिक्स विद ब्रास वर्क, और इसकी जो शेप जो है वो जो हमने खुद अपने हाथ से ड्रॉ करके और इसको हमने डिज़ाइन किया। अच्छा, ये ना ओवल है ना ये सर्कल है, बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेट लाइन है सर, है ना, ये एक मतलब एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न जैसा क्रिएट किया है ना, अनइवन है ये, बट इट इज़ वेरी सेफ एंड सिक्योर, बिकॉज आने से पहले मैंने इसको चेक किया था। इसके जो एजेस हैं वो बहुत क्लियर हैं, और अंदर जो इनले वर्क है वो भी थोड़ा ये जॉइंटलेस है, कर्व जितने भी हैं वो जॉइंटलेस है, लेकिन थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन पैटर्न क्रिएट करते हैं। इसका कुछ प्राइस हमने सेट किया सर? प्राइस एक्चुअली क्या है ना, ये जो अभी प्राइस इसका भी डिसाइड हमने किया नहीं है, इसका प्राइस हम ऑन कॉल देंगे। ओके ठीक है, क्योंकि अभी बन गया है। बिल्कुल सर, चलिए डन, विल गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। अगला देखते हैं अभी हम, एंड द नेक्स्ट वन नाउ, थोड़ा सा बीफी है ये, लास्ट टाइम हमने किया था इसको शायद सर, बिल्कुल किया है जी, थोड़ा आगे भी करते रहेंगे इसको। अच्छा, हाँ। क्यों है सर? ये सोफा जी मेरा रनिंग मॉडल है, और ये मतलब लोगों को इतना पसंद आता है कि इसका एक्चुअली इसका जो कम्फर्ट लेवल है ना बहुत हाई है, बहुत हाई। अच्छा, बहुत हाई, और देखने में मतलब आप खुद बैठ के देखें आपको पता लगेगा इसका फील का कि इसका इसमें क्या फ़र्क है सोफा में। ओके, लेट मी चेक दिस। बहुत अच्छा है, इसमें डबल एक्स्ट्रा थिक फॉर्मिंग की हुई है हमने, फैब्रिक की जो इसमें आप इसकी शेप देखिए आगे से कैसे कुल्ट किया हुआ है जी, मतलब बैठने में कंफर्टेबल है, देखने में बहुत यूनिक है, सुंदर है। इसमें पूरा पैनल दिया हुआ है, प्लैंक जो आगे का वुडन पैनल, नीचे इसमें वुडन स्कर्टिंग है। ठीक है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है, मेरा हॉट सेलिंग सोफ़ा है। इसमें कलर च्वाइस आपको मिल जाएगी, मल्टी कलर्स इसमें मेरे पास होते हैं जी। इसकी देखिए सॉफ्टनेस की जहाँ तक बात है ना विजय जी, मुझे लगता है कि वो इंडिविजुअल्स चॉइस होती है, आप चाहें तो इसको कितना भी सॉफ्ट करा सकते हैं, कितना भी हार्ड करा totally सकते हैं, टोटली कस्टमाइज्ड है। बट इसमें जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये था, इसका डुअल एक्सेंट है, ब्राउन एंड बेज का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बिल्कुल सर, स्पेस बहुत मिल रहा है आपको पीछे बैठने के लिए, नॉर्मल सोफा से ज़्यादा है। हेडरेस्ट जो है बैक साइड टिल्ट है, तो आप आराम से इसके ऊपर रेस्ट कर सकते हैं, तो ड्राइंग रूम एंड लिविंग रूम दोनों के लिए बहुत अच्छा है ये। और इसमें वुड का काम है, विनियर है ये नीचे? ये सर सारा प्लैंक है, मतलब ये विनियर लगा के पूरा पॉलिश किया हुआ है, पीयू कोटिंग। ओके, और नीचे भी जो उसकी चौकी बनी हुई है, फ्रेम जिसको हम बोल रहे हैं, स्कर्टिंग या स्कर्टिंग किया, उसकी लेग्स जो हम बोल रहे हैं, ये सॉलिड वुड में बनता है। ठीक है, ये सोफा उन लोगों के लिए प्रेफरेबली उन लोगों के लिए है जिनके पास स्पेस अबंडेंस में होता है, थोड़ा ज्यादा स्पेस होना चाहिए आपको, छोटे कॉम्पैक्ट स्पेसेस के लिए नहीं है ये, है ना। पर बहुत अच्छा है, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, जितनी ज़्यादा स्टिचिंग का काम होगा वर्कमैनशिप बढ़ जाएगा। आई डोंट नो अभी विजय जी क्या प्राइस बताने वाले हैं, लेकिन मल्टी लेवल के देखिए इसमें कट वर्क है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्योंकि इसमें पाइपिंग का काम भी काफी सारा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, स्टिचिंग वर्क भी आप देखिए, जैसे सीट्स पे भी स्टिचिंग है, बैक में भी स्टिचिंग है जी, टक्टिंग है जी, प्लैंक है, वो सारा काम बहुत इसमें अच्छा, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है इसके अंदर। बिल्कुल, और इसमें एक हल्का सा चेस्टर की फील भी दे रखी है यहाँ पे जी, जी। और फैब्रिक भी इसका प्रीमियम सेगमेंट में है ना, वेरी नाइस, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फील है फैब्रिक का। अब बताएं कि इसका प्राइस क्या है? सर ये मैंने अभी डिस्प्ले में लगाया है, 3+2 है, 5 सीटर भी मेरे पास लगा हुआ है, ये हमने इसका प्राइस रखा है ओनली 65,000, 5 सीटर का 65,000 रुपीज़, 65,000 फॉर 5 सीटर, 5 सीटर 3+2। ठीक है, इसका सिंगल सीटर बनने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपको, है ना? हम सब बना देंगे इसका, अगर आप पार्टी की डिमांड है कि अगर उनको 311 चाहिए तो 311 ही बन जाएगा, बट 311 स्पेस ज्यादा लेगा, स्पेस ज्यादा लेगा, फिर दूसरा बात उसमें आपको थोड़ा सा प्राइस में डिफरेंस आएगा, हाँ वो 1.5 का उसमें आर्म्स पड़ जाते हैं। ठीक है, अंदर कपल ऑफ अदर मॉडल्स जो हमारे रनिंग मॉडल्स हैं जी, बट हमारा फोकस सेंटर टेबल भी बता दें हमको, ये वाली ये क्या प्राइस रेंज में जो हनी ओनिक्स में है? ये सर सेंटर टेबल्स आपको ऑन कॉल बता देंगे, वैसे ये ऑनिक्स में है, ड्रॉर के साथ है, ये वाला जो है ये इसमें ओरिएंटल प्लस कार्व का काम है। अच्छा, कार्विंग के लिए इसमें भी ये लटक के साथ है, पूरा बॉक्स बना के हमने इसको बनाया है। ठीक है, डन। वुड में है वो जो कार्विंग पार्ट है, सॉलिड वुड, टीक का, टोटल टीक। ये हिस्टोरिकल सेंटर टेबल है, आपको याद है इसके बारे में? गोवा
गोवा से इसकी शुरुआत हुई थी, और उसके बाद इज नो स्टॉप लुकिंग बैक। बिल्कुल, इसको हमने अभी तक हमने कम से कम इसमें 20 से 25 शेड्स में हमने इसको बना चुके हैं, और अभी भी मेरे पास ये दो मॉडल इस तरह के सिमिलर डिजाइन अवेलेबल है। अच्छा। जैसे अभी हमने इसमें ग्रे मेटालिक प्लस इसमें जो ब्लैक इटालियन नेचुरल पत्थर उसमें हमने यूज़ किया है, प्लस पॉलिस्टर कोट के साथ है। इसमें टू ड्रॉस भी हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, टू ड्रॉस भी है। ओ, एक ओके। यहां, एक बार बड़ा सीमलेसली बनाया गया है। हाँ। इसको आप देखें, कहीं भी जॉइंट नहीं दिख रहे हैं आपको, पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे इसमें ड्रॉर्स हैं। दोनों साइड से स्टोरेज है, यू कैन ओपन इट वन साइड, वन साइड लास्ट ड्रॉर्स है, टू ड्रॉर वन साइड्स। ऑलराइट, नेवर ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज, वन साइड होगा। ओके, बट आई एम रिक्वेस्टिंग व्यूअर्स टू नॉट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन स्टोन, बिकॉज स्टोन इज अ ब्यूटी। स्टोन आप नेवर ट्राई टू गो फॉर हनी ऑन, आप चेंज कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, बट द होल ब्यूटी विल गो फेड आउट। वैसे जो हमने बना के रखा हुआ ये तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, दिस इज वेरी नाइस एंड आई थिंक दिस इज हाउ इट शुड बी। ये ग्रे मेटालिक एंड ब्लैक मार्बल के साथ इटालियन पत्थर विद पॉलिशर वर्क, नीचे का बेस देखिंग सॉलिड वुडन, मतलब इसमें जो ये वर्क किया हुआ है ना, सीएनसी का सारा जो वर्क है, ये भी वुड में बनता है, टीक का काम है सारा, सॉलिड। ठीक बात है, इसको अदरवाइज लोग MDF पे बनाते हैं, बहुत सारे लोग, कई लोग बनाते हैं, मोस्टली MDF भी बनता है क्योंकि, लेकिन बट हमारा मैं आपको स्क्रैच करके दिखा दूंगा, ये सॉलिड टीक होगा, सॉलिड टीक गारंटीड। ओनली 50,000। ओके, डन, वी गोइंग टू द नेक्स्ट वन नाउ। देयर इज वन मोर सोफा, ये देयर आर इनफैक्ट टू मोर, पहले ग्रे वाले की बात करेंगे, पूरा ग्रे का एक कॉन्सेप्ट है अपने आप में, पूरा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, आप मेटल यूज कर रहे हैं वहाँ पॉपअप के लिए या फिर आप पाइपिंग? ये पाइपिंग, फ्लेक्सिबल पाइपिंग है। अच्छा, ये फ्लेक्सिबल पाइप। अच्छा, हम इसको मेटल यूज़ कर सकते हैं, बट मेटल लगाने से कॉस्ट पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी वो इसकी? तो फिर अगर कस्टमर चाहता है अगर मेटल शीट लगाना तो वो भी हम लगा देते हैं, वो भी टीम हमारे पास है, वो फिर अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में आता है, वो जैसे हमने आपको दिखाया था ऊपर डाइनिंग स्टैम्प जैसे बना रहे हैं जी, तो वो टीम अलग होती है। ओके, ठीक है, ये क्या प्राइस रेंज में इस फैब्रिक का? सर आपको ऑन कॉल बताएंगे, आज आपने हमें काफ़ी की चीज़ों के ऑन कॉल के लिए छोड़ा है, सरप्राइज एलिमेंट क्रिएट कर दिया आपने, सेंटर टेबल का आपने प्राइस बता दिया और ये उसका एक ही सेंटर टेबल है। ठीक है, डन। ये सर सेंटर टेबल है, ये भी कंपोजिट ओनिक्स है, हनी ओनिक्स, और इसमें टॉप के ऊपर जो वर्क किया है सारा SS में, और ये विद व्हील के साथ, इसमें हम इसी नीचे व्हील लगा के आपको देंगे। अच्छा, इसमें ओपन स्टोरेज है और साइड में इसमें एल कॉर्नर बनाया है, मतलब काफ़ी डिफरेंट स्टाइल का टेबल है और अच्छा है, ये हमारा अपना डिज़ाइन है। व्हील क्यों? इसलिए कि आप पोर्ट कर सकते हैं यहाँ से वहाँ। हाँ, इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं इधर उधर जैसे। अच्छा। क्योंकि मार्बल से थोड़ा हैवी हो जाता है घर में, जैसे लेडीज़ वगैरह होती हैं तो थोड़ा सा उनको शिफ्ट करने में, क्लीनिंग करने में दिक्कत आती है, तो आप इसको जब व्हील्स लग जाएगा से नीचे तो आराम से इधर उधर आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, डन। एंड दिस इज़ आप, ये क्या कॉस्ट है इसकी, फिर हम उसकी बात करेंगे। इसकी कॉस्ट 32,000। ठीक है, ये हमारा परपेचुअल डिज़ाइन है, ये हमेशा हमारे पास रहता है, है ना जी। ओके, एंड दिस वन मोर लास्ट, ये हमारा लास्ट शो स्टॉपर है ये। एक सर वुडन भी होगा, एक हमारे पास वुडन भी है। ओके, डन। ये नया कॉन्सेप्ट क्रिएट किया ये सर, मैं आपको बताया था, ये हमने पूरा एक सेट कॉन्सेप्ट बना के रखा है और ये बिल्कुल इकोनॉमिकल रेंज है, कस्टमर के बजट में होगा, पूरा पॉकेट फ्रेंडली है। आप देखिए इसको, पूरा एल शेप सोफा, एक सेंटर टेबल, टू चेयर्स विद बैक, डिजाइनर चेयर्स के साथ है। अच्छा, और इसमें आप देखेंगे जो उसका नीचे का जो लेग्स है वो भी हमने पूरा SS में लगाया है। इसमें कलर्स आप चेंज कर सकते हैं, जैसे जो भी आप बोल्सी की थीम लेते हैं आप उस हिसाब से चेंज करके बनवा सकते हैं। ठीक है, फैब्रिक इसमें भी निर्मल फर्निशिंग का लगा हुआ है, इसके शेड्स कार्ड होंगे, मैं आपको फाइल मंगा के दिखा दूंगा, आप चेंज करके बनवा सकते हैं। डन। विजय जी, काफ़ी टाइम से हम हमारी कम्युनिटी में ना इंटरेस्टिंग टिप्स शेयर करते रहे, और क्योंकि इंटेंशन ये होती है मेरी, मतलब मुझे लगता है कि हम अपने व्यूअर्स को, हम अपने क्लैप्टर फैमिली मेम्बर्स के को हेल्प कर सकें ताकि उनके घर पहले से अच्छे और अच्छे और अच्छे बन सकें, स्पेशली मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। जी जी, क्योंकि अपर मिडिल क्लास के लोग काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, लोअर मिडिल क्लास का हार्ड एंड मनी होता है, तो हम चाहते हैं कि, मतलब हार्ड एंड मनी तो सबका होता है बट उनके पास थोड़े पॉकेट छोटे होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको ज़्यादा हेल्प कर सकें हम, ताकि उनके घर अच्छे हों। इससे रिलेटेड कुछ क्विक टिप है हमारे पास, वो मैं देना चाहूँगा अगर आप मुझे दो मिनट दे दें। बिल्कुल सर। ओके, जब भी एल कॉर्नर आप लें तो आप पहले मेजरमेंट ले लें, पर बिल्कुल ये मिसफिट नहीं हो आपके फ्लैट में क्योंकि ये स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। राइट, जब भी आप एल कॉर्नर लें तो ये जो फैब्रिक जो लगा हुआ है ये अच्छा है, और मगर आप कोशिश करें कि जितना इसको प्लेन ले जाएंगे ये उतना ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा क्योंकि लग्जरी में आएगा। हाँ, उतना लग्जरी में आएगा। तो ओके, जैसे विजय जी बता रहे थे कि ये इसमें अगर आप प्रीमियम को आप प्लेन में चले जाएंगे तो ये थोड़ा लग्जरी सेगमेंट में दिखेगा, इकोनॉमी सेक्शन में नहीं दिखाई देगा।
और इसके अलावा ये पूरा बड़ा साइज़ का यूनिट है, क्योंकि इसमें देखिए आप वहाँ से लेके वहाँ तक सीटर्स, फिर उसके बाद में चेयर्स, उसके बाद में जो आपका टेबल है उसके ऊपर भी फैब्रिक है, तो फैब्रिक ही फैब्रिक देखेगा आपको हर जगह। और इसके लिए इसका एक सबसे अच्छा सोल्यूशन, अब क्या हो रहा है हर तरफ आपको एक ही फैब्रिक दिख रहा है, इसको आप कर दें ब्रेक, उस फैब्रिक को आप रख लें एक जैसा, इस फैब्रिक को आप कर लें ये और ये दोनों कर लें एक जैसा, डुअल एक्सेंट में चले जाएं, जैसे आपने उसको बेज कर लिया तो इसको आप ब्राउन कर लें, तो क्या होगा आपका कलर ब्रेक हो जाएगा, आपको बहुत सारा फैब्रिक एक घर में फैला हुआ नहीं दिखाई देगा, आपका घर ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। एक और है बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर कुछ लोगों को शायद जमे, पर अमेरिका में अक्सर होता है कि लोग ग्लास नहीं लगाते, इसको ऑटोमन को सेंटर टेबल को ही आप सेंटर टेबल को एक्सेस सीटिंग की तरह इस्तेमाल करते हैं, और इनको क्योंकि सर्विंग के लिए यूज़ नहीं होती हैं ये वहाँ पे, तो आप चाहें तो विदाउट ग्लास भी सेंटर टेबल ऑटोमन बनवा सकते हैं, जो सीटिंग के लिए भी काम आते हैं और आपके सर्विंग के लिए भी काम आते हैं। इसके अलावा ये लार्ज साइज़ यूनिट है, इनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ना भरें, जैसे विजय जी ने 3 क्वेश्चन रखे हैं परफेक्टली फाइन, इसके ऊपर और ऐसा ना हो कि आप अपने क्वेश्चन से इसको और लोड कर दें, ज़्यादा लोड कर देंगे तो और ज़्यादा भारी होता दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्विक टिप थे हमारे पास, बाकी मोर के टिप्स जो हैं वो विजय जी आपको देंगे, बताइए। बस सर यही था कि जैसे एल शेप सोफ़ा है, स्टैंडर्ड साइज़ है इसका 9x6.5 में इसका साइज़ हमने बना के रखा हुआ है जी, और 3x3 में इसका टेबल है, 2 चेयर्स है, कॉम्पैक्ट मतलब सेट है ये, हर किसी रूम में जाके रंग रूम में जाके सेट हो जाता है, और बाकी अगर किसी को फिर भी अगर साइजिंग का कोई इशू होता है तो वो हमारे पास इंटीरियर की टीम है, वो साइट विजिट करती है, साइट विजिट करके पूरा मेजरमेंट के हिसाब से हम पूरा वो बना देते हैं, जैसे किसी को LHS चाहिए या फिर किसी को RHS चाहिए राइट, जैसे राइट जो लॉन्जर वाली साइड है, किसी को राइट है या लेफ्ट है, तो वहाँ आप अपने हिसाब से जो भी आपकी यहाँ सेटिंग बनती है आप उस हिसाब से ले सकते हो। cool. अब हम इसकी बात करेंगे रेट की, प्राइस जो हमने इसका रखा हुआ है बहुत इकोनॉमिकल है, ये कम्प्लीट सेट जो है ये आपको 2 चेयर्स के साथ पूरा एल शेप सोफ़ा विद कुशन विद टेबल के साथ कितने का ये आपको पड़ेगा, सिर्फ ओनली 60,000। अच्छा, कंप्लीट सेट विद टेबल 60,000 रुपीज़, ओनली 60,000। ओके, आई थिंक दिस इज़ रीजनेबल, वेरी रीजनेबल है ना, बहुत रीजनेबल है ये, चलिए डन, दिस इज़ अवेलेबल फॉर 60,000 रुपीज़ जी, सिंस वी हैव प्रॉमिस्ड दैट वी हैव वन मोर सेट, एक और है हमारे पास, बिल्कुल सर, वो वुडन में है, वुडन में, विल चेक आउट दैट वन, दिस इज़ द वन इन द वुडन पार्ट राइट, ओके। हमारे ना हमारे पास भी था ये डिज़ाइन, हमारे जो मथुरा वाले घर में, इनफैक्ट आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट विद दैट, कि हमारे पास जो मथुरा वाला हमारा घर था, हमारे पास सेम डिज़ाइन था बट डिफरेंट फिनिश ऑफ कोर्स, और वो चाइना का था तो ज़्यादा चला नहीं वो जी जी, पर खैर कोई बात नहीं, होता है, लाइफ इज़ लाइक दैट। इसको आपने प्ले किया है विद 2 डिफरेंट एक्सेंट के फैब्रिक से, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट फिनिश का फैब्रिक है और यहाँ पे प्लेन है, सॉलिड वुड का ये फ्रेम है, ये जनरली आप कॉम्पैक्ट स्पेस वालों को प्रेफर करते हैं? बिल्कुल सर, ये कॉम्पैक्ट स्पेस वाले के ही बना हुआ है, क्योंकि 311 है तो कॉम्पैक्ट है बिल्कुल जी। ये जैसे फ्लैट्स वगैरह जो होते हैं तो आप उसमें आप आराम से इजीली आप लगा सकते हैं 4x2 का टेबल के साथ। अच्छा, और इसमें फैब्रिक में चॉइस आपको मिल जाएगी, लकड़ी सॉलिड हमने जैसे बताया, लकड़ी टीक की सागवान की होती है, पॉलिश पीयू कोटिंग है, गीला कपड़ा मार के साफ कर सकते हैं। ओके डन, सो दिस इज इट। ये अब इसका प्राइस की बात करेंगे कि आप जो ये था ये क्या प्राइस रेंज में था? ये सर 311 फाइव सीटर है, ओनली 38,000 रुपीज़। इसका हमारे पास सेंटर टेबल भी मिल जाएगा मैचिंग? बिल्कुल मिल जाएगा सर। ओके, आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ इट, और पूरा एक टूर लिया हमने। इसके अलावा हमारे पास सोफ़ाज़ की कितनी वैरायटी होती है? सर मेरे पास ना डिस्प्ले में कम से कम, अगर आप मैं आपको अगर बताऊँ तो 25 मॉडल्स डिस्प्ले में अवेलेबल होते हैं जो रेडी होते हैं मेरे पास। अच्छा, क्योंकि हम सभी को शूट करेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा खींचा जाएगा, ठीक बात, तो वो हम इसको स्टेप बाई स्टेप करेंगे, तो जैसे जो जैसे जैसे मेरे पास मॉडल्स अपडेट होते रहते हैं हम आपको वैसे वैसे हम आपसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और हम आप कस्टमर्स को दिखाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि आप कस्टमाइज़ तो करेंगे इनको, बीस पोक भी करते हैं, अगर आपके पास अपने डिज़ाइंस हैं आप विजय जी को दे दीजिए, वो बना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। रिपीटिंग दिस एवरीथिंग इन इंग्लिश, ऑल द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फॉर पैन इंडिया डिलीवरी, GST चार्जेस आर सेपरेट, वी हैव मेंशन प्राइस इन हिंदी एज वेल इन इंग्लिश टू, एंड वुड विले फर्नीचर हैज़ बीन he's one of the most favorite on Claptrap. People have been sharing love and affection, as you said that. And besides this, your company is into bespoke and customization. In case you want to come out with your own designs, you're more than welcome. And you can rest assured of your quality, that products are going to be decent. Bilkul sir. Theek hai? Thank you very much for showing us around. Jaldi phir aap se mulaqat karenge. Thank you sir.